जॉन मोनी, आपकी फिल्म जो है जासूसी पे, और जासूस लोग होते हैं ना जो कोडवर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे पहेलियां बुझने में तो माहिर होते हैं। मैं आप दोनों को कुछ पहेलियां बुझता हूँ, आपको बताना है कि मैं क्या, उसका मतलब क्या है। वो कौन है जो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटी बजाता है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बस कंडक्टर। वेरी नाइस, ही इज अ रियल रॉ एजेंट। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? एक बार और बोलेंगे सवाल प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? I don't know, you know? मैंने भी पूछा था, जिन्होंने मुझे देख के दिया ना, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया कि नक्शा। अच्छा लास्ट, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जलसी नहीं, जलती है पर जलसी नहीं, बताओ क्या? जलती है पर जलसी नहीं। हाँ, there is a fragrance, but that is not a flower. कागज के फूल। He is burning, she is burning, but not jealous. कागज के फूल, no. पाठ पूजा करती हो आप? अगरबत्ती। अगरबत्ती। ओके, लास्ट वन, पब्लिक की डिमांड पे, चुनाव है पर खड़ी नहीं हूं, टिकट नहीं मिला लेकिन बैठे बैठे भी खुश हूं, बताओ कौन हूं मैं? हर। 100 मार्क्स। तू अच्छा ना? नहीं, बिल्कुल सही बोला। जॉन, आपने रॉ में कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट भेस बदले, आपने अलग अलग गेटअप्स लिए हैं, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा इजिली, तो हमें पता है कि जॉन अब्राहम है फिल्म के हीरो, तो हम पहचान लेते हैं, अदरवाइज हम देखना चाहते हैं कि आप अपने मोनी के साथ फिल्म किए तो कितनी जासूसी आ गई आपके अंदर, आप कैसे, अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें तो मोनी के साथ दो तीन लड़कियां और खड़ी कर देंगे, आपको पहचानना है मोनी कौन सी है। हाथ पकड़ सकते हैं आप, पहचानेंगे आप? ओके, टच कर सकता हूँ? सिर्फ हाथ टच करने हैं आपको, लड़की थोड़ा आप खुद भी हाथ दे दो, मतलब अच्छा, सबके राइट हैंड आगे, राइट हैंड नेक्स्ट। ये क्या क्या ये? ये क्या है? सबके हाथ में पट्टियां भी लगा दी। बस, यू डन 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 डन। मोनिका है। कम मॉर्निंग, पर देख लो ईमानदारी है बंदे की, वो लगाया भी था हमने। वेल डन। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बंगाल वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आपको अलग से सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से? क्या खाती क्या डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ, बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैंस हैं, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो, किसी का भला हो जाएगा गरीब आदमी का कुछ, क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। नहीं, मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ, खाती हूँ। पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाते हैं पराठे फिर? मतलब ये को, मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है। लेकिन एक बात बोलूं मैं कपिल, आप किसी भी लड़की से पूछे जी बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एडुकेटेड है लड़का, लड़का बहुत अमीर है, उसकी बॉडी अच्छी, जो भी, सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी जो ढूंढते लड़के में इस सेंस ऑफ ह्यूमर जो तुम्हारे पास है। भाई, लव यू, थैंक यू।
Seriously. So, in fact, अगर मैं लड़की होता ना, I would fall for someone like you. लड़कियों सीखो कुछ. पर भाई मैं एक बात बोलूँ, खाली बोलती हैं लड़कियाँ सेंस में लड़का, उनसे मिलती भी हैं, पर ये बोल देती वेरी फनी, सो क्यूट. मोनित मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं भी जाती है ना, लोग बोलते हो मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना. आपको कभी आपके फैन बोलते मैडम डस के दिखाइए ना? कसम से वैसे आप मतलब ऐसी नागिन हो ना, मैं तो डसवा डसवा के नीला पड़ जाऊं. अच्छा मोनी एक बात बताइए, अगर सच में ऐसा कुछ होता, अगर आपको सुपर पावर मिलती, आप इच्छाधारी होती कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं आप, तो क्या करती? अगर मुझे मुझमें शेफ शिफ्टिंग का की पार होती तो मैं ऑड्री हेपबर्न बनना चाहूंगी. क्या बनना चाहती? क्या जी? ऑड्री हेपबर्न. ऑड्री हेपबर्न बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत. अच्छा जी. जी जॉन सर, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप क्या बनेंगे? मैं कपिल शर्मा बन जाता. बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि क्योंकि शादी के बाद भी मैं फ्लर्ट कर सकता था. हाँ. भाई मैंने शादी के पहले भी जो मतलब किया, मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ कोई, मतलब ऐसे आउटपुट कुछ खास निकला नहीं है. अच्छा जी, आप अगर इच्छाधारी बन जाते आप क्या करती? मैं ना आज की तारीख में ना मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनती, क्योंकि क्योंकि काम मैं वही करती जो अभी कर रही हूँ, लेकिन पैसे डबल मिलते मुझे. अच्छा वैसे ना जॉन इतने हैंडसम है ना कि हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते आगे चल के, पता नहीं कोई कास्टिंग डायरेक्टर वैसा कर भी ले, इनको बोले कि आप अपनी बॉडी वैसी बना लो कि आप थोड़े वो दिखो, कि जो होता ना अपनी पुरानी फिल्मों में होता था, गरीब हीरो होते थे पहले. तो हमने आपके लिए एक छोटा सा रोल प्ले तैयार किया है. मौनी जो है वो अमीर ठकुराइन बनेंगी, जो लगती भी है. आप हैं गरीब किसान जो नहीं लगते, जिसकी बहन की शादी है और वो ठकुराइन से कर्जा लेने आया है. मैं आपकी बहन बन जाता हूँ फॉर योर सपोर्ट. ठीक है सर? ओके. चलिए लाइए, ये है तो गरीब भैया का गमछा. हाँ. और ये बहना का दुपट्टा. चलो इस साइड से चालू करते हैं. आज मैं ऊपर. हम आ रहे हैं ठकुराइन की हवेली. अच्छा. हाँ चलो मेरा हाथ पकड़ो. चलिए ना भैया. रेडी? चलिए ना भैया. ठकुराइन क्या है धनिया बोलो. धनिया? मेरा नाम तो पुदीना है, धनिया इसका नाम है. हमारे पास तुम जैसों का नाम याद रखने का वक्त नहीं है. बताओ क्यों आए हो? जी ठकुराइन, हमें क्या बताएं, हमें कर्जा चाहिए. उनकी शादी हो रही है और पूरे जो फसल है वो पानी में बह गए, गाय भी सांड के साथ भाग गई है. जो सिक्स पैक मैंने बनाए वो दो ही रह गए अभी. तो थोड़ा कर्जा मिलेगा? रहने दो भैया, मैं भाग के शादी कर लूंगी. अरे भागने के लिए 500 कैलोरी चाहिए, उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, मल्टीविटामिन्स लगते हैं, उसके लिए पैसे नहीं है. ठाकुराइन पैसे दे दो ना. ठीक है पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारी इस बहन को नाचना गाना आता है? क्या नाचती है ये? मतलब उसको नाचते हुए देख के फसल जो है ना खड़ी हो जाती है. चलो चलो नाच के दिखाओ. नाचो. हम तो आपकी गरीबी की एक्टिंग देखना चाहते थे, आप तो हमारे मुजरे देखने पे उतर आए. थैंक यू जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अगर आप जॉन को किसी गरीब हीरो के रूप में भी कास्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा करेंगे. आपको अभी अभी सबूत मिला है सर. थैंक यू. भाई आपके मौनी आपके यहाँ पे फैंस हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं. आप लोग जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हैं. जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो मौनी मैम. हेलो जॉन सर. आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉन सर. एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड के पतले शरीर को लेके बहुत परेशान हूँ. पतले शरीर को
आप कुछ ऐसे टिप बता दीजिए जो उनको थोड़ा सा तंदुरुस्ती हो जाए, मतलब तंदुरुस्त है। शादी का 14 साल हो गया, बंदे का पाव किलो नहीं बढ़ रहा है। खाने पीने के लिए अच्छा दो, पाव किलो क्या, जो किलो खाती हूँ वही खाते, मैं बढ़ रही हूँ वो नहीं बढ़ रहे। पहले वो एक डीवर्मिंग का मेडिसिन आता है, वो ले लीजिए। वो बहुत जरूरी है। सर एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे घर में क्या होता है, पूरा डाइट फूड बनता है। शुरू होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओट्स से शुरू होता है और खत्म होता है शाम का बॉइल्ड वेजिटेबल से। अच्छा, तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप हेल्दी रह सकते हैं इंटरनली। अरे तो अच्छी बात है, मतलब आपके जाते हैं कि वो बड़े बड़े बाइसेप वो वाला सीन। नहीं नहीं, वो बड़े बाइसेप से खास, ये बहुत अच्छा है। हाँ, फिट। थैंक यू। और भाई साहब बाइसेप बना भी लोगे ना, जो पत्नी होती है उनको कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी। 100% भाई साहब बना लोगे फिर कहेंगे इनकी मुझे सीधी नहीं आ रही, थोड़ी टेढ़ी करवा दो। तो ये इग्नोर करने का। आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। बहुत अच्छे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। जय हिंद कपिल पाजी। आई एम हैरी डागर और मैं एक सोल्जर हूँ इंडियन मिलिट्री का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जॉन सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे जैसा हर सोल्जर इस देश का इनका फैन है। अच्छा। एक साल पहले सर मैं करीब बहुत मुश्किल से ऑफिस और घर का पता ढूंढा सर। 3 दफे इनके ऑफिस के बाहर गया, दरवाजे से वापस आया। 4th दफे पता नहीं कैसे सर को पता लग गया कि एक सोल्जर इनके वहाँ पे आया है। अच्छा। और इन्होंने अपना स्टाफ भेज के खुद गेट पे आए और मुझे बुलाया, अंदर लेके गए, कॉफी ऑफर की और फोटो भी करी। सर शायद अगर सर आपको याद है तो हरीश अंजुमन में आया था इनके पास में। बहुत अच्छा इन्होंने मेरा दिन बना दिया था उस दिन और मुझ जैसे हर सोल्जर का। मैं दिल से थैंक्स करता हूँ सर उस दिन का। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर मैं गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ। अच्छा जी। और पोएट्री करता हूँ सर। वाह। और एक दूसरी खास बात जो है सर, एक गाना मैंने लिखा है। अच्छा। और उसको ऑडियो भी मैंने रेडी कर लिया है और जुनून ये है कि उस गाने में कपिल शर्मा को मैं कास्ट करूंगा सर। एज ए मॉडल? यस सर, एज ए मॉडल सर। गिनी मैम के साथ में भी कुछ जो लिखा है वो भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा है जैसे आपकी और मैम की स्टोरी रही होगी। अच्छा। जैसे प्यार स्टार्ट रहा होगा मेरा तो और गिनी को। जी जी। तो आप हमारे फैन हैं कि मुफ्त में कास्टिंग करने? नहीं नहीं सर, मैं 3 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ सर, और जो कमाई मुझे मेरी मेहनत से मिलेगी 15-17 साल की, वो पूरी चेकबुक में आपके। अरे आई लव यू सर, आप हुक्म करें बस। आप, मैं, गिनी क्या, मेरी मम्मी भी आ जाएगी वीडियो में सर। अगर आप इजाजत दें तो 2 लाइनें। जी जी जी, प्लीज 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 सर। हेलो हेलो, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? वेलकम वेलकम। ये जो गीत मैंने ही लिखा है और धुन भी मैंने ही बनाई थी, मेरी एक बेटी है सर, रॉकस्टार छोटा सा। हेलो बेटा, हाउ आर यू? वो हमारी नागिन जी की फैन है सर बहुत। जब पता लगा तो वो सोच के आई थी कि नागिन से एक बार पापा मिला दीजिए। अरे वाह, बड़ी स्टाइलिश है, रॉकस्टार है सर। हेलो, क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा, सच अ प्रीटी नेम। Hi Asma. Thank you sir. Bahut bahut shukriya. Thank you sir. Wish you all the best. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।